आज की रेसिपी है मॉनसून स्पेशल ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी, जिसमें चटपटा आलू फिल किया हुआ है, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इस ब्रेड पकोड़ा को बनाना कैसे। तो इस ब्रेड पकोड़ा को बनाने के लिए हमने लिया है ब्राउन ब्रेड, तो 4 ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट भी ले सकते हैं, और 2 लोगों के लिए इनफ होता है 4 ब्रेड, और इससे हम बनाकर तैयार करेंगे ब्रेड पकोड़ा। तो अब हम आलू को चटपटा बनाने के लिए तैयार करते हैं मसाला। तो मसाले में मैंने लिया है धनिया, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च, और इन सबको धीमी आंच पर रोस्ट करके कूट लेना है दरदरा सा। और चलिए अब बेसन का घोल तैयार करते हैं। तो बेसन के घोल को तैयार करने के लिए मैंने लिया 1.5 कप बेसन, साथ में डाला स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा पानी डालना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना बने, आप पहले मिक्स कर लें उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और घोल को तैयार करें। तो बहुत अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको फेंटना है। 5 से 7 मिनट फेंटने के बाद बेसन एकदम हल्का हो जाएगा और साथ ही साथ इसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि कलर भी चेंज होता जा रहा है और बेसन भी हल्का होता जा रहा है। तो बेसन अपना बहुत हल्का हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है बेसन का, और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, और बस अपना बेसन का घोल बनकर तैयार है। तो इसको रखते हैं साइड में और बना लेते हैं आलू का चटपटा वाला मसाला। तो 3 आलू लिया और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ खूब सारा धनिया और हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने 2 हरी मिर्च डाली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो मसाला अभी हमने बनाया था ना उसको 1 चम्मच भर के डाल देना है, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है इससे, और साथ में स्वाद अनुसार नमक और भी चटपटा बनाने के लिए अमचूर पाउडर, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालना, मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से। तो बेसन का घोल बनकर तैयार है, साथ में चटपटा आलू भी बनकर तैयार है, तो ले लेते हैं ब्रेड और ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड में चटपटे आलू को बढ़िया से लगा देना है, तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से चारों तरफ चटपटे आलू को लगा देना है और फिर दूसरे ब्रेड से कवर कर देना है और बढ़िया से सेट कर देना है इसको। उसके बाद डिप करेंगे कुछ इस तरह से बेसन के घोल में और फिर इस तरह से, और बस तेल अपना एकदम गर्म है तो गर्मा गर्म तेल में पकोड़े को छोड़ देना है और 1 चम्मच की मदद से लगातार गर्म तेल पकोड़े के ऊपर डालते जाना है ताकि ऊपर का बेसन भी साथ साथ पकता रहे। तो इस काम को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने तेल कढ़ाई में कम डाला हुआ है। अभी हमें इस पकोड़े को हाफ डन करना है, तो चलिए इसको पलट देते हैं। तो रंगत तो बड़ी अच्छी लग रही है इसकी, दूसरे साइड भी हाफ डन करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो बहुत बढ़िया रंगत आया है पकोड़े में कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से दूसरे पकोड़े को भी हम तल लेते हैं। तो बस गर्मा गर्म तेल में पकोड़े को इस तरह से डालना है और अगर उंगलियां छप जाए तो बेसन से कवर कर देना है और गर्मा गर्म तेल डालना है बेसन के ऊपर ताकि बेसन अच्छे से पकता रहे साथ साथ। तो अभी हमें आधा ही पकाना है, तो बस पलट देते हैं इसको। तो बहुत ही सावधानी के साथ ब्रेड पकोड़ा को पलट देना है, तो बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि साइज पकोड़े की ना बहुत बड़ी है, 1 आदमी के लिए बस 1 पकोड़ा। तो बस हमने 2 पकोड़ों को तल लिया है और अब इसको हम कट करेंगे और फिर हम इसको फुल फ्राई करेंगे। तो कुछ इस तरह से काट लेना है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें आलू कितने अच्छे से भरे हुए हैं, तो आलू बहुत अच्छे से भरना है तभी जाकर बढ़िया सा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो दोनों पकोड़े को हमने इस तरह से काट लिया है और अब चलिए वापस हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने से पहले इस तरह से डिप करेंगे बेसन के घोल में, या फिर आप 1 चम्मच की मदद से इस तरह से लगा सकते हैं, और तेल अपना गर्म है तो गर्मा गर्म तेल में इस तरह से इसको छोड़ देना है और बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प और करारी होने तक। तो क्यों है ना बहुत आसान ब्रेड पकोड़ा बनाना, वो भी चटपटा वाला, तो एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मॉनसून। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा ब्रेड पकौड़ा तो बनकर तैयार है, इसी तरह से बाकी के पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अगर जल्दी बनाना है पकौड़ों को तो कढ़ाई में 2-3 पकौड़े जितने स्पेस हैं आप डाल सकते हैं। तो मैंने डाले 2 पकौड़े और इसको भी क्रिस्प और करारी होने तक फ्राई करते हैं और बढ़िया सा गोल्डन वाला कलर देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं और रियली बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस मानसून सीजन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़े तो सभी बनाते हैं और अपने अपने तरीके से बनाते हैं, एक बार मेरे वाले तरीके से बना कर देखिए, मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एक ट्रे और इसमें हम ब्रेड पकोड़े को सर्व करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके साथ हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी जिसे बनाया है धनिया पुदीना और अमचूर पाउडर से, थोड़े से नमक और मिर्ची के साथ। एक बार इस चटनी को भी ट्राई कीजिएगा इस पकोड़े के साथ, बहुत ही यम्मी लगता है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की ब्रेड पकोड़े वाली रेसिपी, साथ में चटनी भी लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो जाइए किचन में, बनाइए, खाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।